मिशन शक्ति जन जागरूकता के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को लेकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी के स्वावलंबन के लिए आज 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपुर पर्व शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ लखनऊ स्थित अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से एक विशाल वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर मिशन शक्ति के चौथे चरण 2023 जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी। इसी कड़ी में कानपुर नगर में भी पुलिस लाइन से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो पूरे कानपुर शहर का भ्रमण करते हुए मर्चेंट चैम्बर पहुंची, जहां पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार सहित DIG कानपुर नगर, SSP, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं कानपुर नगर के पुलिस के आला अधिकारियों ने वाहन रैली में प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा की। आपको बताते चलें कि मिशन शक्ति वाहन रैली में पुलिस महकमे की महिला उपनिरीक्षक, महिला कांस्टेबल्स के साथ साथ ग्राम विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने विशेष रूप से प्रतिभाग किया। रैली के समापन के पश्चात कानपुर नगर के मर्चेंट चैम्बर की सभागार में लखनऊ से लाइव प्रसारित हो रहे मिशन शक्ति के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लाइव देखा गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि राज्य मंत्री नीलमा कटियार, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, महापौर प्रमिला पांडे, विधायक घाटमपुर सरोज कुरील समेत मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार व कानपुर नगर के समस्त विभागों के आला अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ वाहन रैली में शिरकत करने वाली महिला पुलिस के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट।